उसके प्रति तो मेरा अपार विश्वास है। मैं यहां न आता तो भी मुझे पता था कि जम्मू कश्मीर का मेरा नाता इतना गहरा है तो आप मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा करेंगे। लेकिन मैं तो आया हूं मां वैष्णो देवी के चरणों में बैठे हुए आप लोगों के भी दर्शन करने के लिए। मां वैष्णो देवी की छत्र छाया में जीने वाले भी मेरे लिए दर्शन के योग्य होते हैं। और जब आप लोग कहते हैं इतना कर लिया, इतना हो गया, इतना हो गया, हम वो इतने ज्यादा क्या कर सकते हैं, मेरे जम्मू कश्मीर के भाई बहन, आपने पहले इतने बुरे दिन देखे हैं कि आपको ये सब बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, विकास जैसा लग रहा है। लेकिन जो मोदी है ना, वो तो बहुत बड़ा सोचता है। ये मोदी दूर का सोचता है और इसलिए अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे, हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, ये परिवार चलित, परिवारवादी, परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस राम मंदिर से कितनी नफरत करती है। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अरे राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब यहां अंग्रेज सल्तनत भी नहीं आई थी। राम मंदिर का संघर्ष 500 साल पुराना है, जब कोई चुनाव का नामो निशान नहीं था, जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े तो भारत के लोगों ने
अपने धर्म स्थलों को बचाने की लड़ाई लड़ी।